थी। करो करो आ चलो ठीक है, मैं ही कर लांगी, मैं ही कर लांगी। खाना नहीं भुलते पुत्र, कद्दू दे टिंडे नाल चंगी ना सब्जी कोई नहीं। तेल पे करेला पार्टी करनी पड़ेगी हमें, इससे ज्यादा ना कुछ और नहीं, कुछ बस जिसने खाने खाए जो करेला नहीं खाता वो ना है। ना है। आटा कितना खा ले से आटा देखा किन्नू किन्नू याद है भी पाकिस्तान दे विच काली तोरी नाल तंदूर दियां रोटियां। किसी नु ऐ पूछ लेना भाई आज तू ठीक है, कल का दिन कैसा सी, या तू परेशान है तो तू क्यों परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी वीरन वीनियों, की हाल है, तुसी ठीक हो? यह आप देख रहे हैं, ये मेरे पास था बखूर जो कि बड़ी ही सोहनी स्मैल आती है कार चो। मेरी आना सी सहेली ने तो मैं क्या चलो जी जरा थोड़ा जहा फटाफट मैं जरा कार नू वधिया जहा कर ला। इत्थे मैं आटा गुण दी पई सा, मैं क्या फटाफट आटा गुण लवा, मेरे को साग पिया सी निहारी पई सी, मैं क्या चलो फटाफट गर्म करिए लंच असी दोवें ही कट्ठे ही करांगे। तो बस जी उसी की मैं कर रही थी तैयारी। यहाँ पे ये देखें ये साग मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको मैंने गरम करके तड़का लगा लिया और बड़ा ही वधिया इनू तड़का लगा। मैं कहनी हूँ साग नाल भी मुहब्बत जड़ी ना बस लाजवाल ही है। और यहाँ पर निहारी, निहारी को भी हमने अच्छी तरह गरम करके इसके ऊपर भी तड़के छड़के लगा लिए। और आगे मैं कर रही हूँ अब्बू जी से फ़ोन पे बात। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, बस इंशाल्लाह छेती टिकट बुक करा ली तो आ जाएंगे। आहो आ चलो ठीक है, मैं ही कर लांगी, मैं ही कर लांगी। आहो आहो आवांगी फिर आके तेरे को रवांगी कोई 2-2.5 महीने। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। वेख रोमा रोमा मैं जावांगी ना फिर, हो सकता रोमा आ जाए फिर तेरे को पूरा तेरे को फिर बहुते दिन रह गए ना, जब वारी वारी आवांगे जे कट्ठे आ जाइए तो फिर कट्ठे ही टुर जाएंगे। आहो आहो चलो आहो आहो चल दुआ करियो खैर खरीद नाल पहुंचा। चलो अच्छा फिर अच्छा ओके ओके ये देखिए जी अब्बू जी जो है ना वो भूल जाते हैं कि उनको हमने लास्ट टाइम क्या कहा था, या हमने उनकी खुशी की जो ड्यूरेशन है ना वो बस उतनी है जितनी कि मेरी उनसे बात होनी है, कि पॉजिटिव बातें अच्छी बातें जिनमें उनको अच्छा महसूस हो वो बातें हम उनके साथ करते हैं। बस मुझे कह रहे हैं बाबू मुझे पता है कि ज़ाहिर है जब वहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो मैं जाऊँगी, और आइडिया तो यही है कि सेम टाइम पे वहाँ सब ना हो ताकि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सके। तो बस उनको कुछ तसल्ली के लिए मैंने बातें कही, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही वहाँ से सब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मेरा प्लान बन जाएगा पाकिस्तान जाने का। चले मेरी फ्रेंड आ गई हैं बाहर, और निहारी तो बड़ी ज़बरदस्त गर्म हुई साग भी, अब शायद तंदूर की रोटी बनाऊं उसके साथ तो हम वो खाएंगे लंच में, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी हुई है गरम। आ जाओ मौसम बड़ा जबरदस्त है बाहर, धूप निकली, धूप तो नहीं निकली वधिया। ओके अब्बू कहने ना पुत्र तारी ला लो जाके, तारी तारी लाने से ना दिमाग फ्रेश रू तरो ताजा हो जाती है। तो अभी तो मैं सुबह ही उठी थी, चीज़ें हमारी घर में कुछ उस तरह से, लेकिन मैंने कहा उसने कहा ना, मैंने कहा हाँ आ जाओ कोई बात नहीं, बस अभी गाड़ी का टायर सीधा कर लें फिर आती हैं, पीछे देखो कबट भी खुली जे, कपड़े धो के ऐसे लटकाए होते हैं, यहाँ पे जगह ही नहीं होती, चादर एडिया एडिया बटिया कितने लटकाओ। ये देखा ऊपर, हाँ बहुत अच्छा ये बेस्ट है, वो अच्छा। पहले कंजर्वेटरी थी ना, हाँ वो एक सीजन काम आती है, वो गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा गर्मी में, हाँ तो भाग भी बड़ा जबरदस्त है। ये वाला भी छोड़ के भाग गया बिल्डर, इतना इन्होंने तंग किया, सारी ग्राउटिंग रहती है इसकी, वो साइड से फिनिश रहती है सारी,
तो बस अब ये किसी और को ढूंढेंगे जो करेगा फिर। ये है ये तो तुम्हारे काम का किचन बन गया। मेरे काम का किचन है ये देखो, बहुत जबरदस्त बन गया है ये। अच्छा तो बना, टेस्ट तो जाए एग्जॉटिक से। अच्छा फ्रोजन और अच्छा वो तो नहीं नूर महल वालों का, नूर महल का है वो जो डब्बे में आता है। हाँ हाँ डिब्बे में, हाँ वो मैं चाबी से लाती हूँ। है हाँ अच्छा, वो बड़ा अच्छा होता है उनका। नहीं मगर तंदूर में नहीं बनती, तंदूर की रोटी नहीं, तंदूर नहीं है ना मेरे पास। तो ये तो मैं सोच रही थी तुम्हारा इतना एग्जॉटिक वो जो वीडियोस वगैरह का तुम्हारा सिस्टम है, तो उसमें अगर तुम बाहर अपना वो बना लेती। अरे मैंने कहा था इनको, तो फिर क्या हुआ? मुझे नहीं, बस जो लड़ाई की वजह से जो काम हो रहा था वो नहीं हुआ। नहीं मगर बना अच्छा यार, बाहर अच्छा लग रहा। जो काम हो रहा था ना वो नहीं हुआ बीच में, तो तुम खुद ही सोच लो। हाँ नहीं फिर तो प्रॉब्लम दिखता है ना। अच्छा ये तंदूर की रोटी बनेगी उल्टे तवे पे। मैंने कहा अब इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊं, तो भूख ही तो गई शहर कर ली। भूख आ गई है? भूख गई भी है कहीं बाहर, इसमें रख लेती हूँ रोटी। मेरा तो फोना भी नहीं लगता पे। अब्बू ठीक है? मेरी अब्बू से सुबह बात हुई है अभी। हेल्थ वाइज कैसे चल रहे हैं? मतलब वीडियोस में तो मुझे हेल्दी लगते हैं माशाल्लाह ठीक। हाँ नहीं ठीक है, बस वो मिस बड़ा कर रहे हैं ना, बस वो एक तो भूल जाते हैं। अच्छा। कि भाई कितनी देर बेटियां उनके पास गई, कितनी देर रही। वो वैस्कुलर डिमेंशिया तो नहीं है? वैस्कुलर डिमेंशिया पता नहीं कौन सा, बहरहाल है तो थोड़ा सा जो भूलने का प्रॉब्लम होता है उम्र के साथ, उसको वैस्कुलर डिमेंशिया वो ही होगा। तो वो इनको फिर याद नहीं रहता खाना, अगर सुबह खाया है तो उनको याद नहीं रहता कितनी नहीं, रोटी खाई है, खाना खाया है। खाना उनको याद रहता है, उनको बस ये हाँ, याद है तो कश्मीरी ना खाना नहीं बोलते ना कद्दू बोलते ना टिंडे पुत्र कद्दू दे टिंडे ना चंगी ना सब्जी कोई नहीं। वैसे बाकी वो बात तो ठीक है। अच्छा मैं कहूँ ना गोभी ना, मैं गोभी नहीं खाती, मैं तो कभी घर गोभी वाड़ी नहीं, गोभी गैस कर देती है। तुम्हारे अब्बू के साथ ना मेरी मुलाकात होनी चाहिए, मुझे मुझे गोभी पहले खाती, तुम्हें पता है घर में भी नहीं बनाती। गोभी हर किसी को सूट नहीं करती तुम्हें पता है? नहीं मेरे अब्बू को बहुत पसंद है गोभी। अच्छा मेरे डैडी जो है ना कहते गोभी जैसी सब्जी कोई नहीं है, उसमें बड़े फायदे है होंगे। मैं जो हूँ ना उल्टी हूँ, मुझे गोभी की बू भी आए ना तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। तो मैंने ज्यादा उसको वो कर दिया। कोई ये देखो बस ऐसे नान भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ओह वाओ अब ये जबरदस्त। तुम्हारी हेल्थ का सुनाओ क्या हाल है? मेरी हेल्थ ठीक है। अब वो दवाई चल रही है तुम्हारी? हाँ, जो वो तो लाइफ टाइम खानी है मैंने, वो तो लाइफ टाइम खाना है। तो वो नई वाली ले रही हो ना जो उन्होंने दी थी? एक तो वो वॉरफी नहीं ना। नहीं नहीं अभी इसको थोड़ा ये इधर से ना, इधर से थोड़ा सा कच्चा मालूम मक्खन है, मक्खन ठहरा मैं मक्खन चस्के देखो चस्के मक्खन है चस्के देखो पीछे बड़ा बड़ा पैनल जो है और इधर का मतलब क्योंकि ये इनबिल्ट होते ही इतने बड़े बड़े। अच्छा इंटीग्रेटेड तुमने जो किया चीजों की जल्दी बड़ा जबरदस्त हो गए। ये एक ही है मुझे लगता है। हाँ ठहरो मैं छाबा लेके आऊं, भाई छाबे में रोटी रखने का मजा आएगा। ये देखें जी तंदूर की रोटी कितनी जबरदस्त लगी है। ये लो मक्खन निकल आया तुम्हारे लिए, मेरी किस्मत का आ गया कुछ मक्खन है तुम्हारी किस्मत का मक्खन लो। ये लो साग रखना है इसके ऊपर? नहीं मक्खन ऐसे ही खाओगी? एक डॉलप डाल दो छोटा सा, ज्यादा मैं साग नहीं खा सकती, थोड़ा सा। क्यों? इसके ऊपर रख दो मैं मक्खन के साथ कर ये बस। मैं गांव में जाके ना बैठ के चलो एक रोटी मैं बनाऊ ये वाली। मैं भी ऐसे ट्राई करूंगी। तेल भी डालना पड़ता है? नहीं तेल नहीं। वो क्या था? वो था पानी। अच्छा पानी लगा तो वो चिपकता नहीं? फिर पानी के साथ ही ना, और बिल्कुल ऐसे होना चाहिए तवा हार्ड सरफेस, नहीं लोहे का हार्ड सरफेस होता है या सिल्वर कास्ट आयरन, बहुत बहुत हैवी होगा तुम्हारे लिए।
मुझे ये चिकन भी तो अब यहीं पे खाना शुरू कर दिया हम टेबल पे लगाती ना अच्छा सा कुछ खैर है तुम्हारा मेरा तकल्लुफ है तकल्लुफ ही तो नहीं है यही तो ब्यूटी होती है हाँ, तो फिर ऐसे मिलने की मैं पता है जल्दी से तो हैं मगर जल्दी से तो हम हैं हाँ उसी में मदद है रोमा भी ठीक है उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे अब तो सबके बच्चे बड़े पहले वो बड़ा फ्रीक्वेंट आती थी अब उसका काम हो गया आना जाना तुम्हारे यहाँ अभी पाकिस्तान बहुत ज्यादा वो गई ना हाँ अब्बू के पास बहुत ज्यादा जाना होता है फिर जब वो आती है फिर मैं चली जाती हूँ दो के महीने के लिए तो फिर हमारा अपना मिलना उस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि हमारा टाइम पाकिस्तान में जब रोमा पाकिस्तान थी उसके बच्चे दो दफा आए यहाँ और अभी हम गए थे अभी मैं गई थी एक करेले गोश्त के साथ ना ये रोटी बड़ी जबरदस्त लगी तुम मुझे थोड़ा टाइम देती मैं करेले गोश्त बनाती यार करेले तो एक करेला पार्टी करनी पड़ेगी हमें हाँ प्रॉपर हाँ 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 जिसमें हम करेले गोश्त रोटी और लस्सी मतलब बस ये इससे ज्यादा ना कुछ और नहीं कुछ बस जिसने खाने खाए हाँ। जो करेला नहीं खाता वो ना है ना है जो करेला नहीं खाता वो ना है ये है फिर रोटी लगता है मुझे ना ये देखा जैसे तंदूर की पतली रोटी बनती है बिल्कुल देखो आटा कितना खाली से आटा देखा बिल्कुल इतना खाली से कि वो मुंह में आराम से टूट जाती है हाँ। जो तंदूर अब बनते हैं ना वो तंदूरी रोटी की बात नहीं अगर आप बाजार से पाकिस्तान में खाओ ना अब हाँ। तो वो रबड़ है अच्छा वो नहीं अच्छा। आप चले जी ये देखिये हमने एक और बनाई तंदूरी रोटी बड़ी जबरदस्त और ये है मेरा साग ये देखें रोटी के ऊपर जबरदस्त हमने साग डाला अभी हम बैठेंगे खाएंगे और किचन को हम बाद में साफ करें थोड़ी सी निहारी भी थी वो भी ले लेती आधी रोटी के साथ ले लो नहीं पेट भर गया देखो थोड़ी सी ट्राई कर लेती मैं तो यार ऐसे चस्के देने के कार की भूख थोड़ी लग रही थी अच्छा चलो चलें जी चलते हम उधर बैठ के खाते बड़े जबरदस्त अच्छा ये शॉल लेके आई हो भाई जो हाँ बड़ा नाइस है वेरी नाइस ब्यूटीफुल हाँ बड़ा अच्छा है मुझे वैसे भी ना बहुत बड़ी बड़ी नहीं पसंद और ये कलर भी मेरा फेवरेट है अच्छा चलो जी थैंक यू सो मच देखें कितनी ब्यूटीफुल है चाय ले लो ज्यादा दूध वाली लेनी है वो वाली एक जैसी ना भाई आए तो बस करिए से ओके 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 अल्लाह हाफिज मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह जो ये वाला है ना जो तुमने किया हाँ 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 अच्छा जो ये वाला तुमने किया ना ये बेस्ट है बेस्ट है अच्छा चलो ये बात ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज चले जी फ्रेंड चली गई क्या देखें फ्रेंड तो मेरी चली गई और मैं क्या के साग तो चलो मैं ही खाना है बच्चे एडा नहीं खाते या पता नहीं इन्हों सूट नहीं करता तो मैंने कहा ये कोजेट नहीं ये इतने की ना देसी तोरी है जो कि बड़ी अच्छी पता नहीं इसको क्या कहते हैं बड़ी मज़ेदार बनती तो मैंने कहा मैं इसको ना खाली बनाती हूँ सब्जी और देखते हैं कैसी बनती है अभी आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी और रोटी के साथ बनाएंगे फिर इसको रोटी के साथ खाएंगे किन्नू किन्नू याद है भी पाकिस्तान दे विच काली तोरी नाल तंदूर दी रोटियां बड़े ही जबरदस्त बनदा हुंदा सी नाल पुदीने की चटनी नाल तंदूर दी रोटियां सिंपल खाने हुंदे सन पर बड़े ही मज़ेदार एक हांडी पकदी हुंदी सी कोई बहुत सारे खाने नहीं सन बनदे चॉइस नहीं सी हुंदी बस पेट भरीदा सी ते खाना इंजॉय करीदा सी बड़ा मज़ेदार लगता हुंदा सी खाना स्नैक की आदत नहीं सी हुंदी उत्थे पता ही नहीं सी सानू स्नैक की शै हुंदी है जी कुछ हुंदा ही नहीं सी लो जी ए कटिया गया सारा अब हम पकाते हैं इसको और अज मौसम भी बाहर इंज ही है बस गैर गैर जी हुई है बाहर चलें जी हम इसको स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स
ये हैं जी दो टमाटर, ये 7 से 8 थी, ये वाली तोरियां, यहाँ है जीरा, यहाँ जिंजर गार्लिक, ये प्याज, ये हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, बस ऐ चीज़ा पैनिया जी। कढ़ाई में जी मैंने कढ़ाई को रखा चूल्हे के ऊपर, तो उसमें डाला हमने ऑयल, ऑयल डाल के हमने डाल दिया ज़ीरा, ज़ीरे के ऊपर हमने डाल दिए 2 प्याज, जब प्याज तड़फने लग गए तो हमने जिंजर गार्लिक डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया उसको डाल के हमने अच्छी तरह से भून लिया, जब वो भी भूज भजा गया तो हमने उसमें 2 टमाटर और 1-2 हरी मिर्चें वो काट वाट के डाल के टकना दे दिया, हमने कहा मसाला ज़रा वधिया सा बन जाए, उसको अच्छी तरह से भून के तो फिर हमने ये जो अपनी कोजट्स काटी हुई थी वो उसके ऊपर डाल दी सोनी सी, बस जी तोरिया नु सोना जहाँ तुम भुन लेना है और आपने इसको हल्की आग पर रख देना, लेकिन मैं कह मैं फटाफट करा, मैं बच्चे थोड़ा जहा पानी पा के इनू लाया पासे ते, तो मैं कहा चल तू पासे ते हो, इधर मैं ना रोटियां पकानियां शुरू करा, तो बस जी यहाँ पे पक रही हैं रोटियां, सोनी सी ऐ गई पहली रोटी। रोटी पकाने की टेक्निक मैंने सीखी थी अपनी अम्मी जी से, वो इंज रोटी फाड़ के ना इस तरह पहले उन्हों कोनिया तो इस तरह कर लेंदे सन, बरीक जी रोटी नू वधा लेंदे सन, तो फिर कभी उन्होंने वेलना इस्तेमाल नहीं सी कीता, वो हाथ नाल ही पकाते होंदे सन, तो अम्मी दी रोटी हमेशा मिडल च थोड़ी जी उच्ची हुंदी सी ते जिहड़े 5-6 रोटियां पकड़ियां तो रोटियां उत्तों इन्नियां उच्चियां हो जांदियां हुंदियां सन, की टाइम सन ए जी रोटी साड़ी बड़ी वधिया पक्की। अगे जी फिर असीं गए लाइव ते ते उत्थे पकाईयां रोटियां। तुसीं किन्ना सोहणा बोलदे हो अच्छा वही बोलण ते ना कोई पैसा लगदा नहीं, बंदा सोहणा बोले या बंदा भैड़ा बोले है बोलण ते पैसा नहीं लगदा, लेकिन अच्छा बोलना ऐसा ऐसी दवाई है जिहड़ी बहुत सारियां नूं अच्छा महसूस करदी, लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, जरूरी नहीं कि दवाई खाने नाल ही बंदा ठीक हो जाए, कई बारी किसी नाल सोहना बोलिया भी जड़ा है ना वो भी किसी नूं ठीक कर देता, किसी का चंगे तरीके नाल हाल पूछ लेना, किसी नूं ऐ पूछ लेना भाई अज तू ठीक है या तू परेशान है तो तू क्यों परेशान है, कई बारी ना हर कोई अपनी स्पीड च आंदा जांदा हुंदा, कोई किसी नूं नहीं पुछदा की हुंदा पिया की नहीं हुंदा पिया, और कई बारी असी सोच लैने कि फलाने नूं ते किसी की परवाह ही नहीं, उन्हूं ते अपनी पई है, लेकिन जिंदगी दे विच जिहड़ा है ना आहे मेरी बैटरी मुक चली जाए, जिंदगी दे विच जरूरी नहीं कि हर इंसान जिहड़ा है वह जिंदगी इंजॉय करदा होए, तुसी वेख रहे हो कि जिंदगी बड़ी इंजॉय कर रहे पर तुहानूं नहीं पता उहदी जिंदगी च की कुछ हो रहा, तो कदी भी ना जज नहीं करना चाहिए, नैवर बी जजमेंटल। अच्छा मैं अपनी उधरों हांडी लैके आवां दूसरी जिहड़ी मैं पकाती पई सां सब्जी, पकनी रख दित्ती सी इलैक्ट्रिक चुल्हे दे उत्ते कि मैनूं सी कि हांडी जिहड़ी है ना मेरी वह टाइम नाल बन जाए, जिंदगी दी ना इंपोर्टेंस समझदे नहीं, जिन्नी देर तक असीं किधरे होर जांदे नहीं सानूं वह चीज़ां उत्थे मिलदियां नहीं, पाकिस्तान ते इही पता सी कि धनिया सब्जी दे नाल फ्री मिलदा, पाकिस्तान सानूं धनिए दा इह पता सी कि सब्जी दे नाल फ्री मिलदा, पर सानूं इह नहीं सी पता कि इहदे नाल खाणा किड्डा मज़ेदार बनदा और किन्ना जरूरी है, बस जी तो बस इसको अभी मैं करके इसमें धनिया डाल देंगे हम, एंड में हम डालेंगे इहदे च ना सुखी मेथी इहदे च बड़ी वधिया लगदी है सुखी मेथी, और फिर हम दम ते अब इसके ऊपर डालेंगे धनिया वावा सारा पाना। लो जी धनिया पा के थोड़ी देर दम ते रख दिता सी और साड़ी वधिया जी हो गई तोरियां तैयार, ते असी खादियां रोटी नाल बड़ा ही मज़ा आया, और बस जी खा के फिर मेरा बेटा कहंदा चले मामा आजदा चले शॉपिंग करने, ये आजदा जा रही थी मैंने कहा ये लेके चल जाती हूँ, पर बड़ी नाइस लगी है, थैंक यू सो मच। बारिश देखें कैसे बारिश हो रही है बड़ी तेज, हस्बैंड गए हुए हैं जर्मनी, मैं और मेरा बेटा आए हैं शॉपिंग करने, तो शॉपिंग करने आए हैं, ये देखिए मेरी फ्रेंड आई थी आज, कितनी प्यारी शॉल वो लाई है मेरे लिए और बड़ी मुझे अच्छी लगी, थैंक यू सो मच समरीना, बड़ी प्यारी शॉल है। प्याज ही मुक्के होंगे ने, प्याज ले लिए, टमाटर
मेरे फेवरेट थाइम और लेमन, ये देखें ऑरेंज ले लें, ये वाला बीटरूट है जो मैं लेती होती हूँ, ये वाला आटा मैं यूज करती हूँ, ये है चक्की गोल्ड आटा, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये देखें ये लैला राइस, ये भी बड़े अच्छे हैं और इस वक्त 1350 के लगे हुए, वेरी नाइस। और 5 kg का 1050 का, नो ये वाली अच्छी है, रेड थाई ग्रीन करी। आज जब शॉपिंग हो गई, अब चलते हैं घर और जाके रखते हैं शॉपिंग, बस ऐसे यही जिंदगी है, यही जिंदगी की रौनकें हैं, ऐसी जिंदगी हम एंजॉय करते हैं छोटे छोटे ट्रिप्स पे। तो चले इधर, अभी आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, बाहर मीह पैंदा पे अजे, इन्ना को मिलूंगी कल, अल्लाह हाफिज। ओए होए 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 होए, बाहर देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही है।